अब मिल के बावाज़े बलंतर सलावाज। औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, सलावात बुलंद आवाज से पढ़े। इस दरबारे ज़ीब-ए-कार में मेरी पहली नौकरी, दुनिया की पहली नौकरी, आखिरी नौकरी, पहली नौकरी इस दरबारे ज़ीब-ए-कार में मेरी पहली नौकरी। और फैसलाबाद की धरती पे बड़ा जीरक मजमा, मैं एक बात कह के फिर आगे चलूंगा। कम होना ऐब नहीं, कम ज़र्फ होना ऐब है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने खुतबा भी छोड़ दिया, दुआ भी छोड़ दी। टाइम मुझे बहुत ही कम मिला है, लेकिन मेरा दिल है कि मैं अपनी औकात के मुताबिक बताऊं कि हसनैन की माँ किस इज्जत की मालिक है। मैं अपना मौजू भी बढ़ूंगा कम वक्त में, और घरों में जाकर सोचना तुमको मैं थोड़े से वक्त में दे क्या गया। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी। ऐ ईमान वालो, नबी के घरों में बगैर इजाजत के ना जाना। क्या कहने यार, क्या कहने। फैसलाबाद, मैंने आगे कहा कि आपकी क्या बात है। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पढ़े हैं फैसलाबाद में, बहुत ही अरसा पढ़े हैं, अलामा सकलैन दीवान साहब, और उनके लिए, इनकी सेहत और सलामती के लिए एक मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावात पढ़े। इस आयत में अल्लाह ने हर साहबे ईमान को दहलीज़े मुस्तफा पे जाने के आदाब सिखाए। और किबला, इस आयत में नबी पे अलिफ लाम है जिन्स का। चलो कोई नहीं, मैं आसान करता हूं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह कहता है नबी पे दरूद पढ़ो और उसके हम जिन्सों पे दरूद पढ़ो। यानी अल्लाह कहना यह चाहता है कि जिनसे रिसालत का ताल्लुक, जिन जिन जिनसे ताल्लुक का रिसालत जिससे है, उनके घरों में बगैर इजाजत के ना जाना। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ, कुरान हुक्म कब तक? क्या बात है यार, अल्लाह कहना यह चाहता है कयामत तक इनके घरों में जाना बगैर इजाजत के ना जाना। अच्छा, घर तो भी है इनके, मक्का में इनका घर, मदीना में इनका घर, नजफ में इनका घर, करबला में इनका घर, काजमैन में इनका घर, मशद में इनका घर, कुंभ में इनका घर। ये हाजियों और जायरों से पूछो, जब इनके घरों में गए हो पहले इजाजत ली है। क्या बात है यार, सलाम है तेरे सुनने को। क्या कहने, ओहो, रवायत होती तो सर से नजर बनता था। किबला, ये आयत है, अगर तूने इजाजत ली है, तेरे पास दलील क्या कि मालिक ने तुझे अंदर बुलाया या वही से तबाह हो जाने को कहा? ओहो, क्या कहने। मैं एक मिनट से दो मिनट तमहीद की वादी से गुजर लूं, फिर मजलिस जन्नत बन जाएगी। मैं अपना मौजू अपने टाइम में पढ़ूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। सरफे नजर होता तो रवायत होती तो सरफे नजर बनता, मगर यह आयत, यह मसला कभी हल ना होता अगर 36 हिजरी मस्जिद कूफा का मिंबर होने को होने से पहले जानने वाला अली। क्या कहने, सलाम है, सलाम है आपके सुनने को। होने को होने से पहले जानने वाला अली एक नजर से कायनात की तकदीर की लोह का मुतालिया करने वाला अली। थोड़ी थोड़ा सबर करो, थोड़ा सबर करो। अब मैं अपना ईमान और अकीदा पढ़ने लगा हूँ, अपने बदन में वो हो के ये होने वाला अली हल न करता। ओ हो, कभी हल ना। तेरे मौला का नौकर है इमरान साहब भी खड़ा हुआ, उसका या अली तेरे हसनैन की जिंदगी हो
जब आप जाहरी तौर पे ना होंगे, हम आपके दरवाजों पे आएंगे, आकर इजाजत मांगेंगे। मौला हमारे कान तो आपकी आवाज को सुन नहीं सकते, मौला हमें फिर कैसे पता चलेगा आपने अंदर बुलाया या वही रोका? जितने भी बैठे हो, वलायत वाले बैठे हो, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। अब अल्लाह की जुबान अली के लहजे में बोली या अल्लाह का लहजा अली बनकर बोला? कयामत तक हमारे दरवाजों पे आना, आकर इजाजत मांगना, अगर आंखों से आंसू आ जाए तो समझना इजाजत है। ओह क्या कहने यार। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, फैसला बाद में मोमन रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, क्या कहने जी? तेरी मेरी तो बात ही नहीं। आदम से ईसा नबी ईमान पे, ये मोहम्मद के दरवाजे पे पहले इजाजत फिर अंदर। मैंने अब जिस जुमले के लिए मेहनत की है, नजरे अल्लाह नियाजे हुसैन, थोड़ी सी घरों में जाकर सोचना मत, मैं थोड़े से वक्त में देख गया हूं, मैं अपना मौजू भी पूरा पढ़ूंगा और अपनी औकात के मुताबिक बताने लगा हूं कि जनाबे सैयदा किस इज्जत की मालिक है। दुनिया का सबसे छोटा नौकर हूं, एक तालिब इल्म हूं, मैं मरूंगा तो फिर कोई पैदा होगा। आदम से ईसा नबी ईमान पे, ये मोहम्मद के दरवाजे। अच्छा फिर बात सुनो, एक दिन मैंने ना जिब्राइल को दरवाजा मुस्तफा पे देखा। मैंने कहा जिब्राइल तू तो रूहुल अमीन है, तू तो अंदर चला जा, जाके। जिब्राइल कहता है जाहिल आदमी, मोहम्मद के दरवाजे पे बगैर इजाजत अंदर जाके मैं जिब्राइल काफिर हो जाऊं? आए हाय हाय, क्या कहने यार। सलाम है आपको सुनने को, क्या कहने जी। आप जिए, आप जिए। आदम से ईसा नबी ईमान पे, ये मोहम्मद के दरवाजे पे पहले इजाजत फिर अंदर। सरकारे शीस से लेकर सरकारे बरसीस सफे औलिया, ये मोहम्मद के दरवाजे पे पहले इजाजत फिर अंदर। फिर सुनो, सरकारे जिब्राइल से लेके सरकारे सिलसाइल तक, ये मोहम्मद के दरवाजे पे पहले इजाजत फिर अंदर। एक दफा मैं फिर कहता हूँ, नजरे अल्लाह नियाजे हुसैन, मैंने इस जुमले के लिए मेहनत की, मेरा जुमला जाया ना करना। एक दफा फिर कहता हूँ, आदम से ईसा नबी ईमान पे, ये मोहम्मद के दरवाजे पे पहले इजाजत फिर अंदर। सरकार शीश से लेके सरकार परशीश तक, सफी औलिया, ये मोहम्मद के दरवाजे पे पहले इजाजत फिर अंदर। सरकार जिब्राइल से लेके सरकार सिलसाइल तक, ये मोहम्मद के दरवाजे पे पहले इजाजत फिर अंदर। आ मैं तुझे एक ऐसा दरवाजा दिखाता हूँ जिसमे मोहम्मद खड़ा होके कहता है इजाजत है। क्या कहने, क्या कहने जी। सलाम। अच्छा जिस बीबी का मैं तस्करा कर रहा हूं, अच्छा जिस बीबी का मैं तस्करा कर रहा हूं, पता है इसका विस्तार क्या है? पता मुझे भी नहीं। अल्लाह के नबी दुनिया से जा रहे थे, अल्लाह की नबी की जुबान वही से डूबी, सदा बुलंद हुई, इन्नी तारकुम फीकुम सकलैन। क्या कहने, क्या कहने। मैं तरके में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। अब बारीक बंदों के लिए नफीस, बंदों के लिए नफीस जुमला कहने लगा हूँ मैं, बड़े प्यार से जुमला कहूंगा। अब कुरान और अहले बैत विरसा अकेली फातिमा वारिस। ओए होए होए होए, क्या कहने जी, क्या कहने आपके। सलाम है, अकेली फातिमा वारिस। पता नहीं फातिमा वो तलिस्मे यजदान है जो एक वक्त में वारिस भी खुद है, मेराज भी खुद है। जो मेराज पे बोले उन्हें मैं सलाम करता हूँ। क्या कहने, सलाम है आपके सुनने को। ओहो, अब कुरान विरसा फातिमा वारिस। कुरान विरसा मैं आसान करने लगा हूँ और मुसाहिब, चंद मुसाहिब के जुमले, आखिरी जुमला फजाइल का, और मैं अपने भाई को मिंबर दूँ। अब मैं आसान करने लगा हूँ कुरान विरसा फातिमा वारिस। अच्छा किबला, कायनात में किसी की जुरत है कि वो बोले कि मैं कुरान जैसा?
नहीं ना, सबका इत्तेफाक है ना मेरे शिया सुन्नी भाई, हर किसी का इत्तेफाक है ना, किसी में जुर्रत नहीं ना कि वो कहे कि मैं कुरान के जैसा, कुरान जैसा। अच्छा इमाम काबा कह सकता है मैं कुरान के खिलाफ जैसा? नहीं ना कह सकता। चलो मस्जिद नबवी का मौलवी कह सकता है कि मैं कुरान के सिपारे जैसा? नहीं ना कह सकता। अच्छा मस्जिद नबवी का अहराम का मौलवी कह सकता है कि मैं कुरान की आयत जैसा? नहीं ना। फैसल मस्जिद का मौलवी कह सकता है कि मैं कुरान की सूरा जैसा? नहीं ना। किसी में जुर्रत नहीं ना, ना कुरान जैसा, ना कुरान के खिलाफ जैसा, ना कुरान के सिपारे जैसा, ना आयत जैसा, ना आयत जैसा, ना सूरा जैसा। फिर सुनो, फातिमा वारस कुरान विरसा, फातिमा वारस कुरान विरसा। ओ भोली माँ के भोले बच्चे, जब विरसे जैसे कोई नहीं, अली तो फातिमा का भी वारस है। ओ हो क्या कहने, जिंदगी हो आपकी, क्या कहने यार, सलाम है आपके सुनने। ओ हो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब विरसे जैसा कोई नहीं, अली तो फातिमा का भी वारिस। ओहो, जिसके अदब में मोहम्मद खड़े होते थे ना, उसकी बेटी चार घंटे दरबार में खड़ी रहती। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, मालिक तुझे सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना, मालिक तुझे सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना। चार घंटे खड़ी रही, दुआ करो किसी की औलाद के सामने कोई माँ को थप्पड़ ना मारे। या ज़हरा, या ज़हरा, वज़ादारों, सैयदों, गैर सैयदों, एक जुमला पढ़ना है, एक जुमला पढ़ के मैं आपसे दुआ चाहूंगा और अपने भाई को मिंबर दूंगा। मैंने सिर्फ एक सतर पढ़नी है, अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और तू सुन ले। अगर तूने सुन ली तो फिर जबरन तेरी तू जबरन मुसल्ले पे इबादत भी करेगा, घर जाते वक्त तक इबादत करता रहेगा। इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का नाम सुना है ना, वो कहता है मैंने रात के वक्त अली को मदीने की गलियों में धाड़े मार के रोते सुना। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। अब्दुल्ला कहता है मैं पास गया, मैंने पास जाके अली को सलाम करके कहा, है अली बतूल की पसलियों का दर्द भूले नहीं? औज़ादारो सुनोगे, बतूल की पसलियों का दर्द भूले नहीं? अली चीख मार के कहता है, अब्दुल्ला बात बतूल की पसलियों के दर्द की नहीं, ये कुत्ते चौकों पे खड़े होकर हंस कर मेरी तरफ तंजिया देख के कहते हैं, अली ने जंगों में हमारे मर्द मारे, हमने अली की मजदूर को मारा। लालानतुल्लाह है कौमिल आलमीन पे। अल्लाह अकबर। दिल में हो बुग़्ज़े फातिमा, ज़ुबान पे मुस्तफा, मुस्तफा। दिल में हो बुग़्ज़े फातिमा, ज़ुबान पे हो मुस्तफा, मुस्तफा। दिल में हो बुग़्ज़े फातिमा, ज़ुबान पे हो मुस्तफा, मुस्तफा। हजार सजदों को खा जाएगी शिकायत बतूल की, हजार सजदों को खा जाएगी शिकायत बतूल की। ताउमर जहन्नम में वो जलता ही रहेगा, ताउमर जहन्नम में वो जलता ही रहेगा। ज़हरा तेरे दुश्मन की ये थोड़ी सी सजा है, ज़हरा तेरे दुश्मन की ये थोड़ी सी सजा है। उसी सईदा की जात पे बाबा ने बुलंद सलवात। तो आपकी अजीम समातों के हवाले दावत सुखन दे रहा हूँ मोहसिन अब्बास अलवी साहब से की हुआएं और जिक्र आले मोहम्मद से हमारे कुलबो जहान को मरवा फरमाएं बाबा दे बुलंद सलवात।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أبا الحسين وأبناء الحسين وأجداد الحسين وأصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا شانئك هو الأبتر بلند سلام درود کو زحمت سمجھ کے نہیں یعنی عبادت سمجھ کے مل کے بواز بلند تلاوت فرمائیں سب سے پہلے دعا ہے کہ مولا ہمارے بھائی عامر سجاد علوی صاحب کی اس صفحہ عزا کو اپنی بارگاہ جلیلت القدر میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے جتنے مومن مومنات اس پاک مقدس مطہر ذکر میں جو جو نیک حاجات لے کے بیٹھے ہیں میرے مولا تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ کوئی بھی فضائل سیدہ میں اٹھا ہوا ہاتھ اس دہلیز سے خالی واپس نہ جائے تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا اس مشکل ترین دور میں ہم اپنے وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں میرے مولا ہمارے پردے والے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما تمام دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچائیں سہارا درود کا لے مل کے بواز بلند درود پڑھیں ذاکر اہل بیت مظہر عباس نجفی صاحب ان کے والد محترم اور میرے چچا جان کے بلندی درجات کے لیے مل کے بواز بلند درود پڑھیں نہیں کافی اب آپ تشریف فرمائیں جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت پہ مل کے بواز بلند درود پڑھے اجازت ذکر شروع کیا جائے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے منبر پہ حاضر ہوا ہوں پہلا جملہ جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور اسی پہ فیصلہ کروں گا میں نے کیا پڑھنا ہے اور آپ نے کیا سننا ہے آج کی مجلس منسوب ہے اس ہستی سے کہ جس کی آمد پہ عام شخص نہیں بلکہ نبیوں کے سلطان بھی اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جو جناب سیدہ کی دہلیز میں خراب کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے کون سیدہ فیصل آباد والوں میری زبان میں نہ اتنی طاقت نہ میرے لفظوں میں اتنی طہارت کہ میں اس بی بی کی مدد بیان کر سکوں میں جناب سیدہ کی فضیلت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے جناب سیدہ کی فضیلت کے سمندر کے چند قطرے ہدیہ کروں گا کہ جناب سیدہ کی فضیلت کے سمندر کے قطرے کیا ہیں لے سر اٹھائیں اور پہلا جملہ وصول کریں کون بطول سیدہ کہتے کسے توجہ ہے نا آپ نے داد مجھے نہیں دینی بلکہ آپ نے ہاتھ بلند کر کے دہلیز سیدہ پہ خیرات کی بھیک مانگنے کے لیے دہلیز سیدہ پہ آپ نے ہاتھ بلند کرنے ہیں میں پہلا فکرہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا کہ دستگیر کلونی میں فیصل آباد میں دہلیز سیدہ پہ کون کون سا بندہ کہاں کہاں معرفت کے کس زینے پہ تشریف فرما ہے آؤ بتاؤ بطول کہتے کسے ہے کون بطول جس بی بی کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے اسے بطول کہتے ہیں سارے بولو جب سید آگے نوکر بیٹھے بسم اللہ
नहीं 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 ऐसे नहीं, जिस बंदे के घर की छत के ऊपर अलमे अपास नहीं, बल्कि जिस बंदे के समीर की छत के ऊपर अलमे अपास लहरा रहा है, अब वो बंदा अपनी आवाज बचाए फिर उसकी बची हुई आवाज जाने, या बोलने की कुव्वत अता करने वाला गाजी शहंशाह का बाबा जाने। और मैं आपको लोहे दिल पर लिखने लगा हूँ कि सैयदा बंदी कैसे है, हसनैन की अम्मा बंदी कैसे है, नबी की बेटी बंदी कैसे है, अली की सोचा बंदी कैसे है, हैरान हो गए मेरी तरफ देख रहे हो, आओ ये नौकर बताए सैयदा भक्ति कैसे है, कौन कौन सी चीज इकट्ठी हो, तमें मुर्शिद शादी पंक्ति कैसे है। अब जो बंदे लफ्जों के खरीदार बैठे हैं, हाथ उठाना सैयदा पंक्ति कैसे है, जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया तकिया नकिया हाकिमा आलिमा कायमा मखदूमा मजलूमा मासूमा बैठे हो या चले गए हो, कौन कौन सी चीज इकट्ठी हो, तो पतूल बनती है जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया तकिया नकिया हाकिमा आलिमा कायमा मखदूमा मजलूमा राकिया कारिया दानिया सानिया आलिया हाजिया राफिया शाफिया नूरिया। जब अंदर चुप बैठे हो मुबारिका शलीका सदीका फखरे हाजरा, बोलो जो सैयदा के नौकर बैठे हो, फखरे हाजरा रश्के आसिया उम्मल सबतैन उम्मल हसनैन कुर्रतु ऐनर रसूल बिनकर रसूल। जब ये सारी चीजें एक पैकर में ढल के नबी के घर नाजल हो तो उसे बतूल कहते हैं। सारे सारे बोलो तो उसे बतूल कहते हैं, तो उसे सैयदा कहते हैं। जहां मैंने लफ्ज बतूल कहा ये सिर्फ लफ्ज नहीं भाई, जिस दहलीज पे आप आके बैठे हो यहां बोलना तो दूर की बात, अकीदे वाले बंदे मेरे साथ बोलना, अकीदा पढ़ने लगा हूं, इस दहलीज पे आके बोलना दूर की बात, बाबा जी यहां तो सांस लेना भी इबादत है। आए हाय हाय हाय, जो दहलीज सैयदा से खिराज की भीख मांगने के लिए आए हो, जहां मैंने लफ्ज बतूल कहा खाली लफ्ज नहीं बल्कि एक ओहदा है। जो बंदे चुप हो गए हैरान हो गए मेरी तरफ देख रहे हो, मैंने कहा लफ्ज बतूल जो है ये एक ओहदा है, जैसे मर्दों में नबूवत इमामत खिलाफत ओहदे होते हैं, आलम खवातीन में एक ही ओहदा है जिसे बतूल कहते हैं। नहीं जी और आसान कर देता, जिन बंदों की जुबानों ने अभी हरकत नहीं की, मैंने कहा जिस तरह मर्दों में नबूवत इमामत खिलाफत ओहदे होते हैं, आलम खवातीन में एक ही ओहदा है जिसे बतूल कहते हैं। जुमला पढ़ूं दुआ लेने के लिए, बंदों के चेहरे भी पढ़ूं, ये जो खवातीन में एक ओहदा है ना बतूल, ये खवातीन चुन चुन के नहीं बनाती, अल्लाह बना के भेजता है। कोई बंदा तो होगा जो जुमले की कदर करेगा, ना 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 ना, जिस बंदे ने अभी तक हाथ उठा के तहलीज सैयदा से खैरात की भीख नहीं मांगी, अगली सतर पे बेशक अगर आपका अकीदा इजाजत दे हाथ बुलंद कर लेना, अकीदा इजाजत ना दे अपनी कानों में उंगलियां भी ले लेना, सर झुका भी ले लेना। और बताऊं कि बतूल कौन है, बतूल कहते किसे है, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। बोलो तो बनने के लिए तो फायदा ना, बोलो जो सैयद आगे लेकर बैठे हो सारे हाथ बुलंद करके तहली से सैयदा से खिराज की भीख जरूर मांगना। मैंने मिंबर पे अल ऐलान वीडियो कैमरे की मौजूदगी में, मैंने खड़े में मुंह देखे नहीं बल्कि वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैयदा के नौकर सैयदा की फजीलत सुन रहे हैं, और इस वीडियो कैमरे की मौजूदगी में इसके जरिए आपको बताऊं सैयदा कौन है। मैंने जुमला पढ़ा, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। जुमला सुन के जो बंदा शक की वादी में चला गया, और उसे यूं निकालूं अभी कुरान मिंबर पे लेके आओ, अल्लाह से पूछते हैं काबा कितना पाक है, फिर उसी खुदा से पूछते हैं बतूल कितनी पाक है। मैंने खुदा से पूछा मेरे अल्लाह तू बता काबा कितना पाक है, आवाज़ परवर
इब्राहिम या इब्राहिम ताहिर बेटे इब्राहिम तू मेरे घर को पाक रख, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक रख। फैसलाबाद वालों आओ उसी खुदा से पूछते हैं अब फतूल कितनी पाक है, अब खुदा का लहजा ही बदल गया, अब खुदा के तेवर ही बदल गए। आवाज परवरदिगार रही पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज़ाल बैते वयुतहिरकुम तहीरा। फतूल मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूं, काबे को इब्राहिम पाक रखे, फतूल को तहीर पाक रखे। फैसलाबाद वालों काबा उतना पाक होगा जितनी इब्राहिम में ताकत है, फतूल उतनी पाक होगी जितनी खुदा में ताकत है। खुदा की इज्जत की कसम सैयदा को समझना तो दूर की बात। जो मेरे साथ बोल पड़े हो खुदा आपको सलामत रखे। मैंने कहा सैयदा की अजमत सैयदा की फजीलत ढूंढना दूर की बात। भाई जान दुआ लेने के लिए दुनिया को तो अभी तक दिल्ली से सैयदा समझ नहीं आई। बोलोगे तो बंदे का लुत्फ आएगा ना, कोई बंदा तो होगा जो जुमले की कदर करेगा। दुनिया को अभी तक दिल्ली से सैयदा की समझ नहीं आई। नहीं जी आपकी हैरानगी परेशानी को दूर करने के लिए तहलीज़े सैयदा का एक जुमला पढ़ने लगा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। किताब का नाम नफ्सुर रहमान फी फजाइल सुलमा। उस किताब के जुमले हैं उसमें लिखा कि जैसे मस्जिद नबवी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती सारे सहाबी मस्जिद की तरफ चलते, अकेला अली का नौकर 450 साल का जवान सलमान। ओए होए जो बंदे लफ्जों के खरीदार बैठे हैं वो बंदे सर उठाओ क्या कहने उठे हुए हाथों के। अकेला अली का 450 साल का जवान सलमान झुकी हुई पहली से सैयदा की जानब चलता। मैंने पहले कहा है किताब सफा 70 मैजामन सुन के समझ के फिर ना बोलो, फिर आप जाने या आपका मुकद्दर जाने। किताब में लिखा है सारे सहाबी मस्जिद की तरफ चलते, अकेला अली का नौकर सलमान तहली से सैयदा की जानब चलता। एक दिन एक सहाबी रसूल ने जनाबे मोहम्मद मुस्तफा से आगे कहा या रसूल अल्लाह सलमान पूरा होने की वजह से मस्जिद में लेट नहीं आता बल्कि ये कई कई देर तक तेरी बेटी की तहलीज में बैठा रहता है। सारे सहाबी मस्जिद की तरफ चलते हैं, अकेला सलमान दिल्ली से सैयदा की जानब चलता है। इसे बुला के कहे ये वक्त पे मस्जिद में आया करे और मस्जिद की अगली सफों में खड़ा होके पांच जमात नमाज अदा किया करे। जनाब रिसालत माब ने अली के नौकर सलमान को बुलाया, सलमान मस्जिद में आया। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सलमान से पूछे ये पहले मस्जिद में क्यों नहीं आता, पहले वहां पे क्यों जाता है। मोहम्मद मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया सलमान पता इसे वहां क्या लेने जाता है, सलमान पता इसे वहां क्या लेने जाता है। सलमान ने मुस्कुरा देगा या रसूल अल्लाह इन्हें समझाने जाता हूं मस्जिद में अल्लाह उस पे राजी होता है जिसमें बतूल राजी हो। क्या कहेंगे आपकी जिंदगी हो आप सलामत रहें। ले जी बिल्कुल आखिरी जुमला, भाई भी आ गए मैं भी चला। जो दिल्ली से सैयदा से खिराब की भीख मांगने के लिए आए हो इसी किताब का एक जुमला पढ़ू आगे पढ़ू या छोड़ दूं। जो बंदे चाहते हैं पढ़ू वो सलवात बवाज़े बुलंद पढ़ पढ़ू। इसी दहलीज में एक दिन यही नौकर अली का सलमान, अच्छा आसान करूं इस घराने को मैंने पहले कहा समझना दूर की बात, इस घराने की दहलीज की समझ नहीं आई। ये तो आपने बहुत बार सुना है ज़ाकरीन उल्मा कराम से कि अल्लाह ने कुरान में कसम खाई कि मुझे कसम है उस दहलीज की जहां सितारे नाजल होते हैं। यार दहलीज पढ़ रहा हूं सैयदा नहीं पढ़ रहा, सैया की दहलीज।
ایک دن جناب سلمان یوں بلا تشبیہ دہلیز سیدہ پہ سر رکھ کے بیٹھے تھے. جملہ بالکل آخری دو یا چار منٹ کا جملہ پڑھ کے میں ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں, سن کے سمجھ کے پھر نہ بولو, پھر آپ جانے یا آپ کا مقدر جانے. یوں بلا تشبیہ جناب سلمان سر رکھ کے دہلیز سیدہ پہ بیٹھے, ایک صحابی رسول قریب سے گزرا, اس نے سلمان کا کندھا ہلایا, اس نے کہا سلمان تیری ساری زندگی یہیں پہ گزر گئی, آخر تو یہاں سے لیتا کیا ہے؟ نہیں, معرفت والے بندوں کے سامنے معرفت والا جملہ, ہمیں آج اتنا تو بتا تو اس دہلی سے لیتا کیا ہے؟ لے جی فیصل آباد والوں کتاب میں جملے موجود ہیں, اس نے کہا اس دہلی سے لیتا کیا ہے؟ دہلیز کا نام آنا تھا علی کے نوکر سلمان نے بلا تشبیہ آنکھیں اٹھائی, کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا سلمان میں نے کہا بتا اس دہلیز سے کیا لیتا ہے؟ علی کے نوکر سلمان نے جلال میں آگے نادر بھائی کہا کیا کہا تو نے دہلیز کہا؟ اوئے ہوئے ہوئے, جو بندے پہنچ گئے انہیں میں ممبر سے سلام کر رہا ہوں, کیا کہا تو نے دہلیز کہا؟ سلمان تجھے نہیں پتا دہلیز ہی تو ہے؟ سلمان کا خاموش, دہلیز ہوگی تیرے لیے. اب بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا, جملہ بھی پڑھوں, بالکل آخری جملہ ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں. سلمان نے کہا کیا کہا تو نے دہلیز کہا؟ اس نے کہا سلمان دہلیز ہی تو ہے. علی کے نوکر سلمان نے جلال میں آ کے کہا خاموش, دہلیز ہوگی تیرے لیے, میرے لیے سدرت المنتہا ہے. خاموش, دہلیز ہوگی تیرے لیے, میرے لیے سدرت المنتہا ہے, میرے لیے سدرت المنتہا ہے, میرے لیے سدرت المنتہا ہے. میں نے پہلے کہا اگلی سطر پہ جملے پہ وہ بندہ بے شک نادر بھائی میرے ساتھ نہ بولے جس بندے کے گھر کی چھت کے اوپر علم اپاس لے رہا ہے. مجلس میں بندہ وہی بولتا ہے جس بندے کے ضمیر کی چھت کے اوپر علم اپاس لے رہا ہے. علی کے نوکر سلمان نے جلال میں آگے کہا کیا کہا تو نے اسے دہلیز کہا؟ یہ دہلیز نہیں سدرت المنتہا ہے, سدرت المنتہا ہے. اتنے جملے کہنے تھے, بندہ تھر تھر کانپنے لگا, حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. اس نے کہا علی کا نوکر سلمان ہوش میں رہ کے بات کر رہا ہے, اس دہلیز کو سدرت المنتہا کہہ رہا ہے, تو اس دہلیز کو سدرت المنتہا کہہ رہا ہے. سلمان کا تو ہی بتا دے تیری معرفت کے پرندے کی پرواز کے مطابق سدرت المنتہا کیا ہے؟ اس نے کہا سلمان تو نے نہیں سنا, سدرت المنتہا عرش کی اس بلندی کو کہتے ہیں. میں آخری جملہ پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں, جو اس دہلیز سے قرآن کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہو, اس نے کہا سلمان تجھے نہیں پتا سدرت المنتہا عرش کی اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں فرشتوں کا سردار رک جائے, نبیوں کا سردار آگے بڑھ جائے. جہاں فرشتوں کا سردار رک جائے, نبیوں کا سردار آگے بڑھ جائے. علی کے نوکر سلمان نے کہا بس یہی فرق ہے تیری اور میری معرفت میں, جہاں فرشتوں کا سردار رکے وہ تیری سدرت المنتہا, جہاں نبیوں کا سردار رکے وہ میری سدرت المنتہا. بڑا رلایا محمد کی بیٹیوں کو محمد کے کلمہ پڑھنے والوں نے. رونے کے دن رونے کی راتیں, کوئی زیادہ لمبا چوڑا مصائب نہیں. جتنے ہلکے کے ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ بلند کرو, جو ہلکے کے ماتمی بیٹھے ہو آپ ماتم کیسے کرتے ہو؟ جب کوئی نوحہ خان نوحہ پڑھتا ہے آپ ہلکے میں ماتم کرتے ہو. یہ میرے بندے ہاتھ ہے, اللہ جانے اگلی سانس آئے یا نہ آئے, اللہ جانے اگلی مجلس پڑھنے کو ملے یا نہ ملے. مولا کا فرمان ہے کہ ہر مجلس ایسے سنا کرو جیسے وہ آپ کی آخری مجلس ہے. جو بندہ بی پی کو پرسا دینے کے لیے آیا ہے, آپ روتے ہو نوحہ خان کی نوحے کی سطریں سن کے, اگر اجازت دو فیصل آباد والو وہ نوحے کی سطریں سناؤں جو لکھی بھی علی کی بیٹی نے اور پڑھی بھی علی کی بیٹی نے. مولا اونچی آواز میں رونے والوں کو سلامت رکھے,
बोला सवाए आले मोहम्मद के गम के दुनिया के किसी गम में ना रुलाए। जब वापस आई ना शाम से मदीना कुरान की आयतें, अदब का मिंबर अदब से पढ़ने का आदि हूं, लहू में भीगी हुई कुरान की आयतें, अल्लाह जाने आप किस जुमले के इंतजार में बैठे हो। जुमला तो मैंने मुसाहिब को पढ़ दिया कि लहू में भीगी हुई कुरान की आयतें। पर्दे में बैठी अपनी माओ बहनों के लिए एक सतर पढ़ने लगा हूं, आयते कुबरा पिला तस्बीह उठी। जिस बंदे को नहीं समझ आई, अली की बड़ी बेटी उठी, उम्मल मसाइब बीबी उठी, सीधी गई नाने के रोजे पे, नोहा सुना के मिंबर भाई के हवाले करने लगा हूं। कोई लंबा चौड़ा नोहा नहीं, चार सतरे इस नोहे की। बीबी ने कब्रे रसूल पे हाथ रख के नोहे की पहली सतर पढ़ी, मातमियों इजाजत देते हो पढ़ू नोहे की सतर, जो अली की बेटी ने नाने के रोजे पे हाथ रख के पढ़ी। अली की बेटी ने शाम से वापस आके नाने के रोजे पे हाथ रख के रोके का नाना जरा कब्र से निकल के पहचान ये तेरी वही बेटी है। अल्लाह जाने किस इंतजार में बैठे, शर्म करके ना रोना जो बीबी को पुरसा देने के लिए आए हो। आज की जो रात है नजारो करबला से कम नहीं, दस मुहर्रम से कम नहीं। अली की बेटी ने हाथ रखा रोने का नाना कब्र से निकल, जरा मुझे पहचान मैं तेरी वही बेटी हूं। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह, नाना कब्र से निकल मुझे पहचान मैं तेरी वही पर्दे वाली बेटी हूं। कैसी पर्दे वाली बेटी, अदारो जिसके कद से उसका सगा बाप वाकफ नहीं था। अल्लाह जाने आप किस इंतजार में कर बैठे हो, शर्म करके ना रोना। मातमियों तो हाथ सीने पे आना चाहिए। अगली सतर बीबी ने रोके पढ़ी, बीबी रोके कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। आवाजें बुलंद करो जो बीबी को फुर्सत दे रहा हो, नाना तेरी अजान बच गई मेरा मुअज्जिन मारा गया। अदारो अगली सतर बीबी ने पढ़ी, बीबी रोके कहती है नाना तेरी नमाज बच गई मेरा नमाजी मारा गया। आवाजें बुलंद करो जब बीपी को फुर्सत देने आए हो। बिल्कुल आखिरी सतर अजादारो आखिरी सतर बीपी ने पढ़ी, अजादारो ये लोहे की सतर नहीं बल्कि कयामत का मंजर बना। अजादारो बीपी ने रोके कहा नाना तेरी नमाज बच गई मेरा नमाजी मारा गया। अब जिस बंदे ने बिस्तर पर रोना है वो सतर बर्दाश्त करे। अगली सतर पढ़ने के बाद अली की बेटी ने लहू में भीगी हुई गठरी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कब्रे रसूल पे बिछाया। अल्लाह जाने क्या सुन रहे हो, कब्रे रसूल पे बिछाया। बीबी रोने कहती है नाना जरा इस कुर्ते को पहचान, ये तेरे उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था, जो सजदे में तेरी पुश्त पे बैठा करता था। आवाजे रसूल बेटी कुर्ता हटा, बेटी कुर्ता हटा। बीबी रोने कहती है नाना तुझसे हुसैन का एक कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ।